चेक करें, मेरे काम आधी रात का टाइम है और मैं चाय बिस्किट खाने लगी हूँ। बहुत दिल कर रहा था चाय पीने को और मुझे सामने बिस्किट नज़र आ गए। बच्चे स्कूल सुबह जो मैंने बच्चों को भेजे थे तो वो अहमद ने नहीं खाए थे, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। बच्चे सोए हुए हैं और इस वक्त मैं बनी हुई हूँ प्रिंसेस। इंजॉय करते हैं यहाँ पे बैठ के चाय। आप लोगों को चाय पीनी है तो आज बहुत मज़े की चाय बनाइए, सच में बहुत मज़े की, खालिस दूध की चाय है, बहुत ही मज़े की, बहुत मज़ेदार सी चाय। और इसके साथ बिस्किट पता कौन सा है? ये वाला है जी, बटर वाला बिस्किट है। बहुत मज़ा आएगा चाय पीने में, आधी रात को भी चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। अगर तो मज़ा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो कोई जहाँ से मुझे देख सुन रहा है, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएँ। और आप लोग कहते होंगे कि स्टार्ट में मैंने क्या पकड़ा हुआ था, मैंने ये जो आप लोग के सामने मैंने दराज से ये ऑर्डर किया था, ये मेरे पास छोटू सा जो है ट्राईपोड स्टैंड था, एक सेकेंड है, तो ये मेरे पास छोटू सा जो मैंने ट्राईपोड स्टैंड जो था दराज से ऑर्डर किया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही अच्छा ये फ़ायदा दे रहा था, मेरी बहुत हेल्प कर रहा था। और ये टूट गया, ये देखें ये टूट गया। और ये ईद के दिन थे तो मेरी नंद के बच्चे आए हुए थे, और मतलब सब बच्चों ने मिलकर आपस में मस्तियाँ कर रहे थे, तो बस उन्होंने तोड़ दिया। और ये देखिए, और मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना, इतनी टेंशन हो रही है ना कि अब मैं क्या करूँगी। इतना फ़ायदा दे रहा था ना, इतना अच्छा था। आज मैं वीडियो बनाने लगी तो वो टूटा पड़ा हुआ था, तो फिर सुनने में मिला फलाने ने तोड़ा, उसने तोड़ा, उसने तोड़ा, तो जो मुद्दा था वो एक बच्चे पे जाके गिरा के जी इसने तोड़ा है। तो एनीवेज अब मैं फिर दोबारा से जो है ना वो, अब मैं बड़े वाला जो स्टैंड है ना ट्राईपोड स्टैंड वो मंगवाऊँगी, ताकि प्रॉपर जो है ना वीडियोस बनाने के लिए हेल्प हो सके। आप लोगों का ध्यान इस पे ज़रूर पड़ता होगा। ये मुझे आयत ने मेहंदी लगाई थी, अभी तक लगी हुई है, थोड़ी सी रह गई है बस। और यहाँ पे जो टाइम हुआ है तकरीबन 6:30 बजे का टाइम हो गया, मैं मोटर बंद कर लूँ, पानी निकल रहा है। बटन देखियो, बटन बड़ा VIP बटन है, बहुत डर भी लगता है, लेकिन अच्छा। आज खाने में पता क्या बनने लगा था? चिकन बनने लगा था। इतनी शदीद गर्मी थी कि बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई सब्ज़ी लेके आऊँ, वरना मेरा दिल कर रहा था कोई सब्ज़ी हो, लेकिन यह कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर से लाइट सुबह 8 बजे से बंद थी, और फ्रिज में थोड़ा सा चिकन पड़ा था, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा था, कहले गुजारा। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका हल्का सा शोरबा बनाते हैं, साथ में चावल बनाते हैं। अच्छा, आप लोग कहते होंगे कि हमारे घर में चावल जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही खाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये सच्ची और हकीकत पर मबनी बात है, हमारे घर में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने इस घर के जो बड़े हैं ना उनको भी चावल खाते देखा है। और अब मैं सही बताऊँ, क्या कहते हैं ना, हम जिस देश में जाएं या उस देश जैसा बनना पड़ता है वैसा भेष बनाना पड़ता है, ये बोलना था। तो कह ले कि मैं भी जो ना बिन जैसी हो गई हूँ, मैं भी चावल ज़्यादा पसंद अब करती हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे जो ना वो शौक से खाते हैं। और जब बड़े जो है ना, जो काम बड़े करेंगे आपके बच्चे भी अल्टीमेटली वही काम करेंगे, आप खाना पीना उठना बैठना आपका वैसा ही होगा। अच्छा, सबसे मज़े की वीडियो जो आज शेयर करनी थी ना वो ये करनी थी कि आप लोग हैरान होंगे कि हस्बैंड जो है ना वो आप लोग के साथ खाना खा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज 6 साल बाद जो है ना ये आज जो है ना मार का हुआ है कि हम लोग टेबल पे खाना लगा रहे थे। सच में मुझे पता होता मैं कोई अच्छा चंगा चोखा खाना बना दी तो अब आप लोग ये ना कहना कि डिज़र्व नहीं करते थे क्योंकि मैं पहले ही बोल दूँ। तो ये मैं खिचड़ी खा रही हूँ, तो मैं खिचड़ी की स्टोरी बाद में सुनाती हूँ, पहले ये स्टोरी सुना लो। हम खाना टेबल पे बर्तन लगा रहे थे तो जनाब की जो है ना वो एंट्री हो गई, तो बच्चों ने बोला पापा आ जाए खाना खाएं, बच्चों ने बाजू पकड़ के बैठाया, बच्चे पीछे रह गए और अब्बा जान ने खाना खा लिया। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे कुछ इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं, कुछ टेबल के पास बैठे हुए हैं। अब्बा जान ने खाना खा लिया, अब्बा जान ने कहा तुम खाओ ना खाओ मैं खा लेना।
तो ये 6 साल बाद ये आज वाकया जो हुआ है, और मैं पास बैठी हुई थी, मैंने फ्लैश ऑफ किया कि चलो आज वीडियो बनानी ही बनानी है, कुछ ना कुछ होए वीडियो मैंने बनानी बनानी है। तो वीडियो मैंने बना ली, बच्चे बहुत हैप्पी हुए। बस यही होता है, ज़्यादा टाइम ना दें, चलो बच्चों के साथ बैठ के खाना खा लें। बच्चों के लिए ये छोटी छोटी खुशी होती हैं जो बच्चों पे भी बहुत असर करती हैं, और बच्चों के बड़े होने तक उनमें भी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना बड़ों से फिर वो डिवेल्प होती हैं। तो बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता कि माँ बाप के दरमियान क्या हो रहा है। बच्चे बस फील करते हैं कि बाप का प्यार, माँ का प्यार, बच्चों को दोनों चाहिए होते हैं। बच्चों को एक नहीं चाहिए होता, दोनों चाहिए होते हैं कि हमें दोनों चाहिए। अच्छा, अब मैं इसी वो टेंशन में ना, इसी टेंशन में मैंने सोचा हाँ आज तो थोड़ा सा चिकन थी, और ये ना रमज़ान के ही पड़े हुए थे लेग पीस। जब आपको याद हो कि मैंने अफ्तारी करवाई थी, चिकन मंगवाया था, तो तब से ये लेग पीस मैंने निकाल के रखे हुए थे। तो बस मैं इमोशनल होके मैंने कहा इनका कुछ करूँ, और इनको ना मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। वक्ता फ़वक्ता आप निकाल के खा सकते हो। अब यकीन करो, खिचड़ी की स्टोरी फिर अंदर याद आ गई। पेट मेरा इतना ख़राब रहा, पूरा रमज़ान इतना ख़राब रहा, और अभी स्टिल मेरा फिर 2-3 दिन से ख़राब हुआ हुआ है। मैंने जब से रमज़ान ख़त्म हुआ ना, अब यकीन करो अभी तक पेट भर के खाना नहीं मैं खा सकी। और इसीलिए इन खाने पीने इधर उधर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा कि फिर मैं कुछ ना कुछ खा लाँ कि पेट ना ख़राब हो जाए। और दिल भी नहीं कर रहा इतना कि मैं कुछ खाऊं, होता है ना दिल करता कुछ खाऊं, भूख लगे, ऐसा कोई सीन नहीं। शायद मुझे गर्मी हो गई। तो यहाँ पे ना फिर मैं ये इसकी रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ रमज़ान में ही। अगर फिर भी आप लोग को चाहिए हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये ड्रम स्टिक्स है, ड्रम स्टिक्स की मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत से तरीके से ड्रम स्टिक्स बनता है, लेकिन मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, मैंने ना ये मुझे ड्रेस इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, पता क्यों कहते हैं ना वो जितना पुराना कपड़ा पहनोगे आपको गर्मी नहीं लगेगी, ये मेरा इतना पुराना कपड़ा ना घिसा हुआ। और ये सामने आप देख सकते हैं शर्ट पे ये कोई निशान नहीं है, ये पता सॉरी निशान कह रही हूँ, ये कोई ऑयल नहीं लगा, पानी नहीं लगा, पता नहीं ये किस चीज़ का निशान है, मुझे याद नहीं है। तो लेकिन यह है कि कपड़े मेरे साफ ही हैं, लेकिन ये ना कि गंदे हैं। अच्छा, ये सामने देखे मेरा इतना प्यारा सर ना, ये ट्राइपॉड स्टैंड, इसको मैंने बड़े पंगे लिए हैं कि मैं इसको सेट कर सकूं, लेकिन ये बस कह लें वक्ती तौर पर ऊपर स्टैंड लगता है, लेकिन जब मैं मोबाइल लगाती हूँ ना तो वो मोबाइल गिर जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं अब मोबाइल का लॉस नहीं करना। उसके बाद अब आए शाम को, यहाँ पे शाम 6 बजे का टाइम था, तो जब मैंने आपके साथ स्टार्ट वाली वीडियो जो है ना शेयर की थी, तब थे अब्बू आए थे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्लैश ऑफ किया हुआ है मैंने। और मैं और अब्बू यहाँ पर, अब्बू अपनी उनकी एक एक बहन है, बहन थी, अल्लाह उनको जन्नत में अला मुकाम दे, हम वो बातें उनके बारे में कर रहे थे, और अपने बेटे के बारे में वो बातें कर रहे थे। कल हम कुछ चुगलियाँ कर रहे थे सास बहू, और ये वो अपने बेटे के साथ लगे हैं। अहमद के हम फिर से कह रही हूँ, हमेशा पुठे काम है ये, कोई लड़कों के पता नहीं अजीब अजीब काम होते हैं, अजीब अजीब उन्होंने वो पंगे लेने होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, कल वाले वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।